तो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और मैं बैठी हुई थी 7:30 से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इवनिंग का टाइम है और बाहर मेरे भाई आया हुआ है छोटा और मैं अंदर हूँ, तो कोई भी आता है उससे मिल नहीं पाती आजकल। और जब मैं पूजा कर रही थी तब मेरे भाई आया था, तो मैं उससे थोड़ी सी बात कर रही थी दूर से, हाय हेलो हो गया था। बड़े भाई आए थे तो बिल्कुल बाहर नहीं गई थी, क्योंकि इवनिंग के टाइम में मैं दिया लगाने चली जाती हूँ बाहर, वैसे जाती हूँ ज़्यादा। और आज ये टाँके खोली, मतलब ये पट्टियाँ खोली थी ना, और इसमें ऐसे थोड़ा सा दर्द सा लग रहा है मेरे को, तो धीरे धीरे ठीक होगा ये। और थोड़ा थोड़ी सी जगह पे है, थोड़ा सा खिंचाव था और तो पूरा सूख गया, तो मैं सोचूँ इस पर बार बार लगाती हूँ मीठा डिन, और जहाँ पर थोड़ा सा वैसा लग रहा है वहाँ पर थोड़ी पट्टी सी लगाती हूँ। मुझे डर लग रहा है कभी बरसात में ख़राब ना हो जाए, वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है नहीं हो जाए। डर लगता है ना इस चीज़ से कि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, क्योंकि जो ड्रेन वाला होल है ना उसमें तो पानी पानी सा आया भी, तो मुझे उसको देख के टेंशन हो रही थी, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शन वगैरह से लगता है डर, है ना। नहीं होगा वैसे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो डॉक्टर को दिखा दूँगी। तो छोटा भाई भी बाहर बैठा हुआ है, कोशिश करती हूँ किसी बच्चे से बोलूँ कि उसकी वीडियो शूट कर ले आपको दिखाने के लिए, देखती हूँ कोई मेरे लिए तैयार होता है क्या, क्योंकि कोई खेलने में लग रहा है, कोई खाना बनाने में लग रहा है, सब बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो देखते हैं कोई बना के देता है तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। सुबह चला जाता निकल, निकलेगा अभी तो आराम से जाइए, और जाने के बाद फोन कर दियो, ठीक है। चल ठीक है, भाई तो चला गया और कल दीदी भी चली जाएंगी, और फिर उदास सा लगेगा। दीदी के होने से बहुत रौनक लग रही थी, क्योंकि मेरी नन गई थी तो दीदी आ गई थी, मगर दीदी के साथ में भी प्रॉब्लम है, बच्चे का बर्थडे है और एक बेटा वहाँ पे। और एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि दीदी का बेटा ना, उसको चोट आई थी कुछ टाइम पहले पैर में ना, उसको उसके पैर का ऑपरेशन भी हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं रुक सकती। सबके घर पर अपनी अपनी प्रॉब्लम, जो मेरी बड़ी वाली दीदी है उनके पैर में प्रॉब्लम है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, आ गई पट्टी, पट्टी कर देना। चलो दोस्तों, मैं जहाँ पे मैं आपको बता रही थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पट्टी करा लेती हूँ, मुझे उसकी वजह से पेन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि उसमें कुछ पस वस ना आ जाए, ठीक है, आपसे बाद में मिलती। आ गया और मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, मन भारी हो रहा है, अच्छा नहीं लगता जब अपने आते जाते हैं। इस टाइम पर जरूरत भी है, लेकिन दीदी को भी जरूर नहीं आना है। मेरे दीदी का बेटा है ना, उसका भी पैर की सर्जरी हुई थी, उसके पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते थे, आप समझ सकते हैं ना। अच्छा लगता है ना, आप मेरे ठीक करते हैं हमारे लिए, है ना, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। मैंने दीदी का लिंक भी शेयर किया था, नीचे कमेंट मिल जाएगा दीदी के चैनल का, आप उस पर जाके उनको कनेक्ट करना। नाम बताओ अपने चैनल का। मेरे चैनल का नाम है पूनम क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। पहले दिशा 57 था ये, तो उन्होंने चेंज किया इसका नाम, अब चेंज कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, चलिए बाय। चिंता हो रही है कैसे कैसे होगा, सब ठीक है, रह जाएंगे, ठीक है, बाय। दोस्तों दीदी भी चली गई, और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था दीदी के साथ में ना, दीदी की गुड़िया थी, दीदी थी, एक तो दीदी बहुत हंसती बोलती रहती है ना, तो बच्चों का मन भी लगा रहता है। सक्षम को रोज रात को स्टोरी सुना के सुलाती थी, बिल्कुल सक्षम को, शीजा को मेरी याद नहीं आई, मौसी के साथ बहुत खेलते रहते थे। और अभी मदर इन लॉ है मेरे घर पे, और सास ससुर जी हैं, खुशी है, तीनों हैं, और सुना सुना लग रहा है घर। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आप लाचार हो जाते हो ना, अभी चाह के भी कुछ खड़े होके नहीं कर सकते हैं ना, और अभी होगा भी नहीं, और अब कभी भी करना भी नहीं चाहिए, फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा अंदर बैठ जाएगी,
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरी सर्जरी को, तो अभी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो बर्तन क्लीन करने वाले आती है, मेरा निशा आती है, देखो आ गई यहाँ से विंडो से आपको दिखी, तो निशा नाम है, निशा आके बर्तन क्लीन कर जाती है, और जो मॉपिंग वाली हैं वो कल आ जाएगी, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मशीन मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक है, कपड़े उसमें वॉश हो जाएंगे। थोड़ा खुशी हेल्प कर देती है, थोड़ी श्रीजा कर देती है। खाना मम्मी को कुक करना पड़ेगा। कुछ नहीं रखता। बताओ ना। तो निशा तो बर्तन क्लीन करके चली गई, और मैंने उसको बोला है कि बर्तन क्लीन करने के साथ में जैसे दोपहर की सब्जी है वो कट करके जाए, और जो लंच के लिए आटा वगैरह है वो लगा के जाए। बिल्कुल साफ रहती है वो, बिल्कुल ठीक रहती है। मास्क लगा के रखती है और अपनी चप्पल वगैरह बाहर उतार देती है, हैंड सैनिटाइज वगैरह करके आती है, बिल्कुल साफ रहती है। और वो किसी ऑटो वगैरह से नहीं आती, वो बाइक से आती है अपने घर से। अब देखो मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे घर पर तो किसी को बुलाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना। और घर पर कुकिंग वगैरह भी होती है, क्योंकि हम लोगों को टाइम पर खाना चाहिए होता है दवाई खाने से पहले। तो पूरी किचन भी क्लीन करके गई है, और आटा लगा के जाएगी, और बर्तन करके जाएगी, और सब्ज़ी करके जाएगी, तो काफ़ी काम मैनेज हो जाएगा। और कभी कभी अगर ऐसा है तो फिर रोटियां भी बना देती है दो चार, तो उसकी थोड़ी हेल्प रहेगी। मम्मी है यहाँ पे, ठीक है, सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर दिया करेंगी, रोटी बना दिया करेंगी, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। मैंने उनको बोला है कि बस आप थोड़ा खाने का करते रहा करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और क्या करें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ सकते हो, देखो आप बार बार मैं किसी को बुलाऊँ फिर वो आता है जाता है, मेरे घर भी रिस्क में आ जाएगा, है ना। या तो कोई परमानेंट एक आध महीने तक रुके, इतना टाइम किसी के पास है नहीं। और दूसरा, अगर बार बार ऐसे है कि अभी कोई आ रहा है अभी कोई जा रहा है, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा है कि घर वाले तो आराम से रह लो आप, लेकिन बाहर से जो आ रहा है ना उससे थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से अभी थर्ड वेव भी स्टार्ट होने वाली है या हो गई है कोविड की, जो भी है जैसे भी है ना, तो मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब भी आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, कि मेरे घर में लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से रहते हैं, तो हमारे घर पे लोगों का किसी का भी रिलेटिव्स वगैरह का आना जाना बहुत कम रहता है। लेकिन सर्जरी के बाद से ऐसा हो रहा है कि हमारे घर पे रोज़ कोई ना कोई बाहर से आ रहा है ना, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो मैंने तो यही डिसाइड किया है कि अभी ऐसे ही चलेगा डेढ़ दो महीने, ठीक है, मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि बुलाऊँ और फिर वो परमानेंट रह के जाए एक आध महीने तब तो बात बनती है दोस्तों, लेकिन ऐसे आने जाने में है ना, तो ठीक नहीं रहता है। आप समझ सकते हो मेरी दिक्कत, क्योंकि सब चीज़ें ठीक हो गई और फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो बहुत रिस्क में आ जाएंगे हम दोनों, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो बस यही, अभी जो मेड आएगी वो रूम की क्लीनिंग नहीं करेगी, हस्बैंड की और मेरे, उसको हम मैनेज करेंगे। बच्चे भी हैं हमारे घर में तो कोई भी कर देगा, मेरे पास वैसे वाला मौत है उससे हो जाएगा। हस्बैंड के रूम में एंट्री नहीं होगी किसी भी मेड की, तो मैंने तो यही डिसाइड किया है। और मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है पूजा सिंह जी, उनका इसी बात को लेके कमेंट आ रहा है बार बार, आप कैसे मैनेज करोगे। तो हो जाएगा दोस्त, मैनेज हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं रहेगा, है ना। जो मेरी मेड आएगी वो हेल्प करके जाएगी, वो क्लीनिंग वाली क्लीनिंग कर जाएगी, और मशीन में कपड़े हो जाएंगे वॉश। कपड़े डालने का मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि छत पर डाल के आने, स्टैंड है, स्टैंड बाहर सरका देते हैं, और देखिए कुछ दिनों ट्राई करके देखते हैं कैसा चलता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत टेंशन है इस बात की कि कैसे होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होगा, क्या करेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है यार, अभी मेरी जो नंद आई थी, अभी जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर अभी बार बार नहीं आ सकती हैं वो भी। दोस्तों पूजा सिंह जी का बार बार कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर बात करती हूँ, वो वरीड है मेरे लिए, और वरीड तो सारे लोग हैं, और आप लोग नहीं, मैं खुद भी अपने लिए वरीड हूँ। जब मैंने ये डिसीज़न लिया था किडनी डोनेट करने का, तो इस बात की मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि मुझे पता है होने होता है ऐसे ही है, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि यार कैसे होगा। क्योंकि जब ये डोनेट की थी मैंने किडनी, उससे पहले सब लोग कहते थे अरे किडनी डोनेट करने वाला तो एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, एक हफ्ते में कोई ठीक नहीं होता दोस्तों। मेरे पेट पे इतना लंबा कट लगा हुआ है, बहुत पेन होता है, अभी भी मैं बैठ भी नहीं पाती ठीक से, ठीक है। तो देखो टेक केयर की ज़रूरत तो पड़ती है, बड़ी सर्जरी है, और लेकिन यह है कि चीज़ें आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं। बस यह इस टाइम शांति से खाना मिलता रहे वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं मदर इन लॉ को यही कह रही थी कि आप कुछ मत करो भाई काम, बस हमारे लिए खाना बनाते रहो जब तक मैं थोड़ी सी ठीक नहीं होती। जब मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने आप करना शुरू कर दूंगी, लेकिन अभी मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही ठीक से। तो बस वही दोस्तों,
और किसी को क्या दोष दूँ, सबका हाल ऐसा ही है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़ी वाली, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया कुछ दिन पहले। तो जिसके पैर में खुद ही फ्रैक्चर हो रहा है, वो मुझे क्या टेक केयर करेंगी, वो खुद ही परेशान है। उनके बच्चे खुद मैनेज कर रहे हैं उनका काम। जो ये वाली दीदी आई थी, ये खुद भी, मैंने आपको बताया था इनका हेल्थ इशू है कुछ, इनकी खुद की भी सर्जरी होनी है। तो इनकी पित्त की थैली में स्टोन है ना, तो वो उसका, उनका सर्जरी होना, इन्होंने डिले करा रखी है। और बेटे का भी प्रॉब्लम हो गया था कुछ पैर में, तो उसका एकदम से ऑपरेशन हुआ था। वो ज़्यादा लोड नहीं डाल सकता हमने पैर पे। मेरी मम्मी है वो नहीं आ सकती, वो बीमार रहती हैं। मेरी भाभी के यहाँ, क्योंकि मेरा, अभी मैं भतीजा ही बोलूँगी, मेरा भतीजा हुआ है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने किसी ने ये बोल दिया मेरी भाभी का बेटा, तो नीचे कमेंट आया था भाभी का बेटा कौन बोलता है भतीजा। अरे मतलब ये नहीं होता, देखो प्यार होता है, मुझे मेरे बच्चों जैसे ही हैं वो बिल्कुल, है ना। तो मेरा भतीजा हुआ है, तो अभी वो छोटा सा है, उनको छोड़ के नहीं आ सकती। बड़े भैया की जो वाइफ हैं, बड़ी वाली भाभी, तो वो बहुत दिनों से उनकी टेक केयर में थी, अब उनको घर जाना है। तो नंद जो हैं, उनकी जाके तबीयत गड़बड़ हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार यही मैनेज करना। तभी तो हम लेडीज़ ना चीज़ों को कर तो लेती हैं, लेकिन हमें आराम नहीं मिल पाता। इस बात से आप नहीं, बहुत लोग, मैं ही नहीं, बहुत ही लोग एग्री करेंगे, ये रियलिटी है। तो बस मैं भी, जब तक भाई चल रहा है, काम चल रहा है, अभी तो नहीं कर सकती कुछ भी। मैं भी यही सोची थी कि मुझे पहले ही से ही पता था कि ऐसा टाइम आएगा मेरे साथ में, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं बिल्कुल फ्री सा जो आ जाए। भाई मेरी छोटी सिस्टर भी नहीं है, तो मैं पहले से ही सोचती थी कि मुझे ऐसी नौबत ना आ जाए कि खाने वाली तक भी लगवानी पड़े। तो देखते हैं कैसा होता है, पता नहीं मुझे आगे कैसे चलेगा घर। टेंशन हो रही है इस बात की काफ़ी, लेकिन चलो चल रहा है अभी। तो अपने छोटे मोटे काम हम लोग अब कर लेते हैं, हस्बैंड और मैं, हम लोग इस तरह से डिपेंड नहीं है। लेकिन अभी खाना मैं कुक नहीं कर सकती, स्वेटिंग होती है बॉडी में, तो पसीने से जो टाँके में दर्द होता है, वो जख्म अभी सूखे नहीं है। तो अभी तो घर पूरा क्लीन हो चुका है, दीदी क्लीनिंग करके भी गई हैं, इसलिए कि परेशानी ना हो। और चलिए देखते हैं, जैसे होना होगा हो जाएगा, ज़्यादा सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपना प्यार बनाए रखना। कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, आई डोंट नो क्यों नहीं देखा, तो सपोर्ट की तो दोस्तों ज़रूरत है। देखो आप अभी सपोर्ट करो, है ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। हाँ वो एक बात है कि मैं हर एक चीज़ को आपके सामने पॉजिटिव वे में शो करने की कोशिश करती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप दुख के दिन भी हंसते मुस्कुराते बिताओगे ना, तो वो निकल जाएंगे आसानी से। रो रो के, दुखी हो के मैं बैठी रहूँ, दर्द हो रहा है, देखो इस टाइम मैंने पट्टी कराई है चेंज, तो उनमें चीज मच रही है, पेन हो रहा है। अभी मैं रोने बैठ जाऊँ तो उससे क्या पेन कम हो जाएगा? नहीं, और टेंशन हो जाएगी, आँखों में दर्द हो जाएगा। तो बस ऐसी हूँ यार मैं, ठीक है। चलिए तो नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सबको बहुत सारा प्यार दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखो बाद में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे होता है, तो फिर अपना ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों।